अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरा जो टॉपिक है, आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ हार्डवेयर कंप्लीट कोर्स। हार्डवेयर का कंप्लीट कोर्स सिखाऊंगा जिसमें आप अपना घर बैठे अपना पीसी खुद ठीक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए आप खुद ठीक कर सकते हैं अपना पीसी घर पर। कहीं पर शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, 200 रुपए लग गए, 300 रुपए लग गए, 1000 रुपए लग गए, पीसी चेंज कर दिया, सारे मसले आप खुद अब सोल्व कर सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का हमारी जो क्लास है हार्डवेयर की, तो चलते हैं हार्डवेयर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करनी है। अच्छा जी, तो हार्डवेयर में हमारे पास मौजूद है यहाँ पर व्हाट इज हार्डवेयर। पहले तो सवाल है कि व्हाट इज हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर में हमारे पास ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, रैम है और हमारे पास प्रोसेसर है। ये सब क्या है, हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट है। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर की जो भी फिजिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, हार्डवेयर। अब फिजिकल क्या होता है, फिजिकल वो चीजें, दो थिंग विच वी कैन टच, ब्रेक, थ्रो इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट। वो चीजें जिसको हम तोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है। एक होता है लॉजिकल, those things which we can not touch, break, throw is called logical। जो जो चीजें हम जिसको टच नहीं कर सकते, छू तोड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, वो क्या होता है, हमारे पास लॉजिकल होता है। तो चलते हैं, हमारे पास हार्डवेयर में ये चीजें मौजूद है। अब इन चीजों का काम क्या है, इनको फिट कैसे करेंगे, मैंने सब कुछ यहाँ पर खोल के रखा हुआ है। ये हमारे पास ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, सब कुछ, रैम वैम, मैंने सब कुछ उतारा है। इसको मुकम्मल हम फिट करके और ऑन करके भी मैं दिखाऊंगा कि पीसी हमारा ऑन कैसे होता है। तो चलते हैं, पहले हम अपना ये मदरबोर्ड, ये हमारे पास है मदरबोर्ड। जो भी कंपोनेंट इसके ऊपर लगते हैं वो सारे इसी के ऊपर लगते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर लगते हैं। यहाँ पर रैम्स वगैरह, ये हमारे पास है स्लॉट्स, इसको बोलते हैं स्लॉट्स। यहाँ पर भी स्लॉट्स मौजूद हैं, ये भी स्लॉट्स हैं। और ये छोटी छोटी है कैपेसिटर्स जो हमारे पास है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये कैपेसिटर्स हैं। और यहाँ पर हमारा प्रोसेसर लगता है, ये हमारे पास है पोर्ट्स। यहाँ पर हमारे पास VGA केबल, USB केबल, स्पीकर, इंटरनेट की वायर, सब कुछ हमारे पास यहाँ पर लगते हैं, इनको बोलते हैं पोर्ट्स। तो चलते हैं, इसको फिट करते हैं। पहले मैं पीसी लाता हूँ, एक मिनट। ये जो है हमारे पास, ये डब्बा बिल्कुल खाली है, इस पर हम फिटिंग करेंगे। ये बोर्ड, मदरबोर्ड और रैम वगैरह सब कुछ इस पर हम फिट करेंगे, पूरा हम इस पर फिट करके पीसी ऑन करेंगे। तो पहले हम ले आते हैं अपना मदरबोर्ड, ये हमारा है मदरबोर्ड। यहाँ पर पोर्ट्स की जगह है, यहाँ पर जो पोर्ट्स हमारे बाहर आएंगे इस तरह से, तो पोर्ट्स की जगह यहाँ पर आएगी। तो इसको मैं कुछ इस तरह से ही लगा देता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने रख दिया ऐसे, और इसको मैं अच्छे से फिट कर लेता हूँ पहले। ये हो गया है फिट। अब इस पे हम नट वट लगा के कुछ टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये नट लगा के इस बोर्ड को फिक्स कर रहा हूँ। पहले एक नट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और एक नट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और एक नट हम इस तरफ लगा लेते हैं। यहाँ पर दो नटों की जगह है तो हम दो यहीं पे लगा लेंगे। पहले एक को मैं टाइट कर लेता हूँ इसको, और इसके साथ एक और नट लगेगा, ये भी लग गया है यहाँ पे। और एक नट हम यहाँ पर लगा लेते हैं, चलो जी। हमारा बोर्ड जो था, मदरबोर्ड हमारा हो गया है रेडी, मदरबोर्ड हमारा फिक्स हो चुका है। अब मदरबोर्ड पर हमारे पास कुछ वायर्स लगती हैं। ये हमारे पास एक वायर है यहाँ पर, जो हमारे पास ये पोर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले आगे वाले पोर्ट्स, इनका जो बोर्ड है उनकी वायर लगती है हमारे पास। इस तरह की कुछ वायर है, ये वाली वायर देख सकते हैं, ये वाली वायर लगेगी हमारी यहाँ पर। पहले मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे,
ये लग गई है। और उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर है रैम। रैम क्या होती है? रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का काम क्या है? ये रैम लगती है यहाँ पर स्लॉट्स पर। ये स्लॉट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, चार स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसमें से हमारे पास रैम लगती है यहाँ पर, ये रही रैम ले रहे हैं, यहाँ पर लगती है रैम इस तरह से। ये हमने रैम भी इंसर्ट कर ली है इसमें। रैम का क्या काम क्या होता है? रैम होती है टेम्परेरी स्टोरेज। रैम पर हमारे पास जैसे कि अब मिसाल के तौर पे हमारे पास डिस्प्ले भी रैम देती है। रैम डिस्प्ले की वजह से, रैम की वजह से डिस्प्ले भी आता है हमारे पास। डिस्प्ले नहीं आ रहा हो तो अक्सर पीसी हमारा बीप कर रहा होता है, बीप बीप कर रहा होता है। इसका मतलब होता है हमारे पास रैम का मसला इशू आ गया है। तो रैम हम साफ करके लगा लेते हैं अक्सर, तो फिर पीसी ऑन हो जाता है, या हम रैम चेंज कर लेते हैं तो पीसी हमारा ऑन हो जाता है। रैम का टेम्परेरी स्टोरेज कैसे है? जैसे मिसाल के तौर पे हम अपना पीसी ऑन करते हैं। पीसी ऑन करने के बाद हम एक सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, एमएस वर्ड ओपन करते हैं, तो ये कुछ टाइम में, कुछ सेकेंड में, 4 5 सेकेंड में हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। ये 4 5 सेकेंड क्यों ले रहा है? जो रैम है हमारे पास ये फाइंड कर रही है कि एमएस वर्ड कहाँ पर पड़ा हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है, ये फाइंड कर रही है। तो फाइंड करते करते 5 4 5 सेकेंड इसको लग जाते हैं वर्ड को ढूंढने में। जब इसको वर्ड मिल जाता है तो ये ओपन करके दे देती है। अब हम वर्ड को क्लोज करें और री ओपन करें, दोबारा से ओपन करें, तो वर्ड सेकेंड में ओपन हो जाता है। सेकेंड में ओपन क्यों हो रहा है? क्योंकि अब रैम में जो वर्ड का लोकेशन था, वर्ड कहाँ पर पड़ा हुआ था, लोकेशन एड्रेस, अब रैम को पता चल गया कि यहाँ पर वर्ड पड़ा हुआ है। अगली बार हम ओपन करते हैं तो ये सेकंड में ओपन करके देती है वर्ड। इसका मतलब जो उसका वर्ड की लोकेशन जो थी, वर्ड की लोकेशन वो इस पर सेव हो चुकी है। तो अगली बार ये रैम एकदम से हमारे पास वर्ड ओपन करके देती है। ये होती है टेम्परेरी स्टोरेज, इस पर डेटा वो एड्रेस स्टोर होता है। अब हम पीसी रिस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भी एड्रेस वेड्रेस होता है सब कुछ क्लीन हो जाता है, सब कुछ डिलीट हो जाता है। उसके बाद हम दोबारा से ओपन करते हैं तो दोबारा से 4 5 सेकेंड लगते हैं। और रैम जो हमारे पास रैम में अक्सर मसले आते हैं कि पीसी पीप पीप कर रहा है, रैम मसला है कि क्या, किस चीज़ का मसला है, प्रोसेसर का मसला है। अक्सर हमारा पीसी बीप कर रहा होता है, बीप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे रैम का मसला है। रैम साफ करके लगाओ, यहाँ से रैम ऐसे खुलती है, ये हमने रैम खोली मैंने, यहाँ पर देखो ये गोल्डन जो पट्टी नजर आ रही है इस पर कार्बन आते हैं, इस पर कार्बन आते हैं। तो आपने क्या करना है, रैम को इस तरह रबड़ से ये गोल्डन पट्टी को रगड़ना है। इस गोल्डन पट्टी में रबड़ मारेंगे और ये चमक जाएगी, चमक जाएगी। इस तरह से भी मारना है और इस तरह से भी मारना है। उसके बाद आपने फर्स्ट वाले जो स्लॉट है हमारे पास रैम की, फर्स्ट स्लॉट में रैम को इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दी फर्स्ट वाले स्लॉट पे। अब हम पीसी ऑन करते हैं तो दोबारा से बीप बीप कर रहे हैं, मतलब पीसी रैम हमारी सही नहीं है। तो हमने क्या करना है, रैम को दोबारा से निकाल देना है और सेकेंड स्लॉट पे हमने इंसर्ट कर देना है। सेकेंड स्लॉट पे मैंने इंसर्ट कर दी। अब हम पीसी ऑन करते हैं तो पीसी हमारा ऑन हो गया। ऑन हो गया तो इसका मतलब है हमारी फर्स्ट वाली स्लॉट में मसला है, फर्स्ट वाली स्लॉट में हमारा मसला आ रहा है। क्या पता स्लॉट खराब हो गई हो, क्या पता स्लॉट में कचरा हो, तो स्लॉट को भी साफ करके देख लेना एक बार, नहीं तो मतलब स्लॉट हमारी खराब है। और अगर दूसरी वाली पे भी लगा लेते हैं तो हमारा पीसी ऑन नहीं होता, तो हम तीसरी वाली स्लॉट पर चेक कर लेते हैं। तीसरी वाली स्लॉट पर भी मैंने लगा लिया, हमारा पीसी ऑन नहीं हो रहा, तो इसी रैम को हमने चौथी वाली पर लगा लिया तो भी हमारा पीसी ऑन नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है, इस रैम को रख देना साइड पे, दूसरी रैम उठा कर लेंगे। दूसरी से रैम हमने लगा दिया फर्स्ट स्लॉट पे और हमारा पीसी ठक्कर के ऑन हो गया। इसका मतलब था वो रैम जो थी चारों स्लॉट्स पर हमने लगा ली, मतलब डिस्प्ले नहीं दिया, इसका मतलब वो रैम हमारी खराब हो चुकी है, वड़ गई है। तो अब हमने ये वाली नई रैम लगा दी, पिछले डिस्प्ले दे दिया, इसका मतलब हमारी रैम खराब थी, हमने रैम चेंज कर ली। और अगर वो वाली रैम, मतलब वो वाली रैम दूसरे पीसी पे चलती है और इस पीसी पे कोई भी रैम नहीं चल रही इन स्लॉट्स पे, तो मतलब आपके स्लॉट्स का भी मसला हो सकता है। तो ये थी हमारे पास रैम, यहाँ पर मैं रैम भी इंसर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद हमारे पास होता है प्रोसेसर। ये देख सकते हैं आप, इस पर ये पिन वाला प्रोसेसर है, देखो ये पिन नजर आ रही, अगर इसमें से एक भी पिन टेढ़ी वेढ़ी हो गई या इधर उधर हो गई तो आपका प्रोसेसर खराब हो सकता है।
प्रोसेसर खराब होने के चांसेस बहुत हैं। अगर आप प्रोसेसर को उल्टा लगाते हो या पिन टेढ़ी करते हो या जोर जबरदस्ती लगाते हो जोर जबरदस्ती से, तब भी आपका प्रोसेसर खराब होने के चांसेस बहुत हैं। मैं प्रोसेसर को भी इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, प्रोसेसर को भी मैंने रख दिया ऐसे, और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया, लॉक कर दिया। प्रोसेसर के ऊपर यहाँ पर लगती है हमारे पास थर्मल पेस्ट क्रीम। प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर का दिमाग, ये होता है कंप्यूटर का दिमाग। यहाँ पर हमारे पास है थर्मल पेस्ट क्रीम, ये है थर्मल पेस्ट क्रीम। इसको हमने इसके ऊपर लगाने बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा, इसलिए मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ। ये है थर्मल पेस्ट क्रीम, आप इस तरह लगा सकते हो इस पर थर्मल पेस्ट क्रीम, और लगाने के बाद इसके ऊपर हीट सिंक लगा देना है। हीट सिंक, अब इसका काम क्या है, प्रोसेसर हमारा होता है जैसे दिमाग हमारा गर्म होता है, तो इसी तरह प्रोसेसर भी हमारा गर्म होता है पीसी का। ये जब गर्म होता है तो ये क्रीम इसको ठंडा ठंडा रखती है, क्रीम के जरिए ये ठंडा रहता है। थर्मल पेस्ट क्रीम ये एक क्रीम है, ठंडी क्रीम है, ये प्रोसेसर को ठंडा रखती है। और उसके बाद जब ये ठंडा रखती है तो हम इसके ऊपर लगती है हीट सिंक। मैं लगा देता हूँ हीट सिंक भी। हीट सिंक लगती है तो हीट सिंक गर्माइश खींचती है ऊपर की तरफ, और जब गर्माइश खींचती है तो हमारे पास लगा होता है एग्जॉस्ट फैन, ये वाला फैन एग्जॉस्ट फैन, वो गर्माइश को निकाल के यहाँ से बाहर फेंक देता है, यहाँ से बाहर आ जाता है फिर गर्माइश। ये पट्टी मैंने लगा ली यहाँ पे, ये हमारी हीट सिंक की पट्टी है, ये यहाँ पे लगाओगे तो इसके ऊपर हीट सिंक लग जाएगी। ये पट्टी मैंने लगा ली, अब हम इसके ऊपर हीट सिंक लगाते हैं। हीट सिंक मैंने लगा लिया कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये हमारे पास हीट सिंक होता है, ये हीट सिंक, इसको भी लगा लेता हूँ। ये मैंने हीट सिंक भी लगा लिए, हीट सिंक भी लगा ली। अब थर्मल पेस्ट हमारी जो है क्रीम यहाँ पे जो हमने लगाई, वो क्रीम प्रोसेसर को ठंडा रखेगी और हीट सिंक पर गर्माइश आएगी। ये हीट सिंक गर्माइश जब यहाँ पर आएगी तो ये हमारे पास लगा हुआ है एग्जॉस्ट फैन, ये एग्जॉस्ट फैन गर्माइश को बाहर निकाल देगा यहाँ से। और उसके बाद हमारे पास ये एग्जॉस्ट फैन की जो ये होती है वायर, ये लगती है यहाँ पर, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन की वायर लगती है, इस पे हम लगाएंगे। ये मैंने एग्जॉस्ट फैन भी लगा लिया। अब आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर होता है सीमोस सेल, यहाँ पर लगता है सेल। सेल क्यों लगता है, अक्सर हमारे पीसी ऑन नहीं हो रहा होता, लिखा हुआ आता है सेट डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम का इशू आता है। हम F10 दबाते हैं, बायो सेटिंग में जाके डेट एंड टाइम में जाके टाइम सेट करके अपना पीसी ओपन करते हैं। तो इस मसले से बचने के लिए आपने क्या करना है, एक सिंपल सा इस तरह का सेल लेना है, उस सेल को आपने इस पे इंसर्ट कर देना है, इस तरह लगा लेना है। जब इस सेल लगाओगे आपको डेट एंड टाइम सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेट एंड टाइम आपकी ऑटोमेटिकली सेट होगी और आपके पीसी कोई मसला नहीं करेगा, सीधा ऑन हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर ये कुछ पोर्ट्स हैं, अगर आपके पर गेमिंग के शौकीन हो, गेम खेलते हो, बड़े बड़े गेमिंग खेलने हैं तो आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो इस पे, यहाँ पर आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। और अगर आपका पीसी डिस्प्ले नहीं दे रहा, जैसे कि यहाँ पर है वीजीए पोर्ट, ये रही इसको बोलते हैं वीजीए पोर्ट, अगर ये वीजीए पोर्ट आपकी ख़राब है, वीजीए केबल सही है, पोर्ट ख़राब है ये वाली, ये वाला पोर्ट यहाँ से ये ख़राब, तो आप डिस्प्ले कार्ड लगा सकते हो यहाँ पर। एक डिस्प्ले कार्ड लगा लोगे यहाँ पर तो वो वीजीए केबल आपको उस डिस्प्ले कार्ड पर लगानी पड़ेगी, फिर आपका डिस्प्ले आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो साउंड साउंड भी आ जाए, मतलब आपके किसी में साउंड ही नहीं है, साउंड नहीं आ रहा, स्पीकर लगा रहे हो तब भी नहीं आ रहा, कोई भी मसला है साउंड नहीं आ रहा, तो आप साउंड कार्ड भी परचेज कर सकते हो। साउंड कार्ड भी आप यहाँ पर साउंड कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो, साउंड कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो, वाईफाई कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। आप अपने पीसी में जिसे आपका वाईफाई लगा हुआ है, वायरलेस मतलब वायर नहीं लगाना चाहते, वायरलेस करना चाहते हो, तो आप एक वाईफाई का कार्ड लेके कार्ड भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। और ये हमारे पास एक ग्राफिक कार्ड, ये रहा, अगर ग्राफिक कार्ड इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर इंसर्ट भी कर सकते हो, फिलहाल मैं इसको इंसर्ट नहीं कर रहा। इस पर हम हार्ड डिस्क भी इंसर्ट करते हैं, हमारे पास ये हमारे पास है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हमारे पास डेटा स्टोर होता है, जो भी हमारे पास विंडोज सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी होता है वो इसके अंदर होता है हार्ड डिस्क में।
इस हार्ड डिस्क को भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पर रखी। अब इसकी वायर हमारे पास लगेगी, एक हमारे पास होगी यहाँ पर साटा केबल, ये होती है साटा केबल, एक हमारे पास सीडी रोम पे लगती है और एक हमारे पास हार्ड डिस्क पे लगती है। मैं इसको इंसर्ट करके बताता हूँ। ये मैंने एक वायर लगा दी इधर, एक मैंने इधर इंसर्ट कर दी और उसको मैंने कर दिया एक हमने इधर लगा ली है और एक हमने बोर्ड पर लगा ली है। मतलब इससे हमारा जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर में शो हो जाएगी, शो तो हो जाएगी, पावर ही नहीं मिली इसको। पावर के लिए हमारे पास होती है पावर सप्लाई, जो पावर को सप्लाई करती है। अब मैं दिखा देता हूँ पावर सप्लाई भी लगा के बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास है पावर सप्लाई, इसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। इस पावर सप्लाई को मैंने इंसर्ट कर लिया है यहाँ पर। पावर सप्लाई भी हमारी लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, पावर सप्लाई लगाने के बाद हमने हार्ड डिस्क को पावर देनी है। तो हम यहाँ से ये हमने लगा ली हार्ड डिस्क पे, हार्ड डिस्क को जितनी बिजली चाहिए होगी ये उतनी बिजली हार्ड डिस्क को भी सप्लाई कर देगी। और अगर आप लोग सीडी रूम पर लगाना चाहते हो तो सीडी रूम पर भी लग सकती है। ये मैंने एक सीडी रूम पर भी लगा ली और सीडी रूम के लिए भी साटा केबल लगानी होगी। तो हम एक और साटा केबल इंसर्ट कर लेते हैं। अब एक और साटा केबल कहाँ इंसर्ट करेंगे, ये ब्लू वाली जगह हमारे पास खाली है, मैंने यहाँ पर लगा ली साटा केबल। और दूसरी हम लगाएंगे सीडी रूम पर। और एक मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर ली, देख सकते हैं आप। और पावर सप्लाई हमारी, जो पावर सप्लाई में और तारे हैं, यहाँ पर हमारे पास और भी तार है। बड़ी सी एक तार नजर आ रही है आप लोग को, ये यहाँ पर ये है हमारे पास पावर सप्लाई की तार। हम 220 पावर देंगे इस पावर सप्लाई को, यहाँ से हम इसको पावर देंगे पावर सप्लाई को, और ये पावर जो है सप्लाई करेगी अंदर, इसकी मदद से सप्लाई करेगी। इसको हम लगाते हैं बोर्ड पर, इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड मैंने इंसर्ट कर दी, ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और ये अब पावर जो है बोर्ड पर सप्लाई करेगी और हार्ड डिस्क पर भी सप्लाई करेगी। यहाँ पर हमारे पास हार्ड डिस्क पर भी सप्लाई हो रही है, सीडी रूम पर भी सप्लाई हो रही है, और इसको भी एक ये भी पावर सप्लाई की ही वायर है। ये लगती है हमारे पास यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर लगेगी। इसको भी इंसर्ट कर ही देते हैं। ये भी मैंने इंसर्ट कर दिया। तो हमने अपना पीसी में सब कुछ इंसर्ट कर लिए, वायर वायर लगा लिए हैं। तो अच्छा, ये था हमारा हार्डवेयर, इसको हम इंसर्ट करके बंद कर देते हैं। और हार्ड डिस्क को भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ ऐसे, इस तरह से। मैंने लगा लिया है और अब इसको हम बंद कर लेते हैं। ये हमारा पीसी हो गया है रेडी, ये हमारा पीसी रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।